बड़ी अपडेट इस वक्त राजौरी पूंछ अनंतनाग सीट के आ रही है। आपको बता दें कि मियां साहब जो हैं इस वक्त 1882 वोट के साथ आगे चल रहे हैं और पीडीपी जो कि मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो 927 वोट लेकर जो है अभी चल रही हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट, क्योंकि आपको बताएं कि मियां अल्ताफ जो है इस वक्त राजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पे जो है वो लीड कर रहे हैं। आपको जानते ही है कि पोस्ट बैलेट का अभी जो है राउंड चल रहा है और इसके बाद जो है ईवीएम मशीन का जो है स्टार्ट होगा। और अभी जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां अल्ताफ जो हैं वो इस वक्त जो हैं लीड कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि राजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी लीड कर रही है। जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि अभी तक मियां साहब जो हैं वो 1882 वोट लेकर आगे हैं और मैडम महबूबा मुफ्ती जो हैं वो 927 वोट है। इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपके साथ लेकर हाजिर हुआ हूं। जुड़े रहे हमारे साथ अर्ली टाइम्स के माध्यम से, हम आपको आज पल पल की अपडेट्स जो है जरूर साझा करेंगे। वहीं आप जानते ही हैं कि आज एक बड़ा कड़ा मुकाबला जो है इस सीट पे होने जा रहा है और अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि मियां अल्ताफ जो है वो लीड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे का क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी अपडेट थी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप जानते ही है कि 20 प्रत्याशी जो है इस सीट पे जो है वो लड़ रहे हैं और बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं। वहीं मैं बात करूँ कठुआ की और डोडा की, वहां पे लाल सिंह और जितेंद्र सिंह के बीच में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू की सीट पे जो है युगल किशोर और रमन भल्ला के बीच में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और वहीं मैं बात करूं अगर नॉर्थ कश्मीर की, तो नॉर्थ कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला, सजाद गनलोन और इंजीनियर रशीद, इनके बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सेंट्रल कश्मीर में अगराउल्ला और वाइट परे, जो आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अभी जो बड़ी अपडेट मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं कि राजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पर मियां अल्ताफ लीड कर रहे हैं। 1882 वोट अभी तक जो है उन्होंने लिए हैं और पीडीपी ने जो है 927 वोट लिए हैं। ये अभी की बड़ी अपडेट है, जो भी अपडेट आपके साथ जरूर मैं साझा करूंगा।